नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति 2022 के प्रतिभागी हैं और केबीसी सीजन 14 में अपना ग्राउंड ऑडिशन सबमिट करके आए हुए हैं। ग्राउंड ऑडिशन के दौरान जो है जीके टेस्ट और साथ ही साथ वीडियो ऑडिशन के दौरान पर्सनल इंटरव्यू अगर आप अपना सबमिट करके आए हुए हैं और अब जो है FFF कॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके साथ इस FFF कॉल को लेकर मोबाइल नंबर में गड़बड़ी होने के कारण उनके साथ काफ़ी बड़ा समस्या जो है उत्पन्न हो रहा है। आखिर ये समस्या क्या है? तो ये प्रतिवर्ष ऐसा होता है, काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो KBC के लिए चुने जाते हैं, अपना ऑडिशन वहाँ पे सबमिट करके आते हैं, लेकिन ऑडिशन के बाद काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर KBC में वो अपडेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सिम उनका खो जाता है या फिर कुछ दिनों के लिए नंबर जो है बंद हो जाता है। तो ऐसी समस्या अगर आपके साथ है या फिर जहाँ पे आप रह रहे हैं उस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पे नेटवर्क का समस्या हो रहा है, तो ये तीनों अगर समस्या आपके साथ है, चाहे आपके मोबाइल नंबर में सही नेटवर्क नहीं कनेक्ट कर पाता हो या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर पिछले कुछ दिनों से बंद है या फिर अगर आपका सिम जो है यहाँ पे खो चुका है, तो इस स्थिति में उस प्रतिभागी के साथ क्या होने वाला है? क्या KBC टीम जो है उस प्रतिभागी को वहाँ पे डिस्कनेक्ट करने वाली है या फिर ट्रैक करने वाली है? आपके पास कॉल आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है? ये सब सारी बात की जानकारी आप कैसे पता लगा सकते हैं वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी प्रतिभागी जो अपना KBC ग्राउंड ऑडिशन सबमिट करके आए हुए हैं, उनको कम से कम इतना ज़रूर इन्फॉर्मेशन पता होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं और रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद KBC टीम के तरफ से जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए IVR कॉल आता है, तो इस बात को आप जानते हैं कि किसी भी प्रतिभागी के पास जो IVR कॉल है वो 3 बार ही किया जाता है। किसी भी कारण से अगर IVR कॉल आपके मोबाइल पे नहीं आ पाता है, चाहे आपका नेटवर्क वहाँ पे सही नहीं काम करता हो या फिर आप व्यस्त हैं या फिर आपका सिम बंद है, इस स्थिति में KBC टीम जो है 3 बार आपके पास IVR कॉल करती है। अगर 3 बार में आप IVR कॉल को जो है वहाँ पे उठा लेते हैं तो फिर आगे की पड़ाव की ओर जाते हैं, अदरवाइज अगर कोई भी प्रतिभागी वहाँ पे कॉल रिसीव नहीं कर पाता है तो फिर उसको वहीं पे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये लेवल 1 या फिर लेवल 2 के लिए यानी कि IVR कॉल में ऐसा होता है। लेकिन जितने भी प्रतिभागी जो अपना ग्राउंड ऑडिशन सबमिट करके आए हुए हैं, तो अब ग्राउंड ऑडिशन के बाद जो है IVR कॉल नहीं आता है, अब डायरेक्ट KBC के जो टीम के व्यक्ति होते हैं वो आपसे मोबाइल नंबर के जरिए संपर्क करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए हो गया है और किस दिन आपको मुंबई जो है शूटिंग के लिए पहुंचना है। दूसरी चीज़, सबसे मेन पॉइंट, कि अगर कुछ लोगों के साथ ये समस्या है कि पिछले कुछ दिनों से उनका मोबाइल नंबर बंद है या फिर सिम खो चुका है, तो आखिर उस स्थिति में उनके साथ क्या होने वाला है? तो यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन जो है KBC टीम के 3 जजेज द्वारा अगर आप चुन लिए जाते हैं, आपका जीके टेस्ट और वीडियो ऑडिशन का परफॉर्मेंस बेहतर है और वो तीनों जजेज मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्रतिभागी को FFF के लिए चुना जाएगा, तो फिर आपका मोबाइल नंबर जो है वहाँ पे या फिर आपका जो पूरा डिटेल्स है वो वहाँ पे फाइंड आउट कर लिया जाता है और उसके बाद KBC की टीम आपको ट्रैक करने की कोशिश करती है, यानी कि आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है। लेकिन किसी कारण से अगर संपर्क नहीं हो पाता है तो वहाँ पे 3 बार वाला नियम नहीं है, जैसे IVR कॉल में 3 ही बार कॉल किया जाता है, यहाँ पे 3 बार नियम नहीं है। यहाँ पे लगभग जो है KBC की टीम 10 बार कोशिश करती है आपको ट्रैक करने की, क्योंकि ग्राउंड ऑडिशन के बाद जो है यहाँ पे लक वाला सिस्टम नहीं चलता है या फिर रेंडमाइज कोई सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे जिस प्रतिभागी का जीके टेस्ट में ज़्यादा सही जवाब होता है और वीडियो ऑडिशन जिनका सही होता है, उसी के आधार पर KBC के टीम 3 जो जज होते हैं वो आगे की पड़ाव की ओर आपको लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस बात को छोड़ दीजिए कि आपका मोबाइल नंबर पिछले 3-4 दिनों से बंद था या फिर 1 सप्ताह से बंद था, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हुई भी होगी तो KBC टीम जो है अगले सप्ताह में आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। यानी कि KBC टीम का एक ही मकसद होता है कि वो आपको हर संभव कोशिश करती है ट्रैक करने की। लेकिन अगर ज़्यादा दिन वहाँ पे बीत जाता है, लगभग 15 दिन से 1 महीना अगर वो कॉल कर रही है, ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपको वहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और आपके जगह बैकअप जो प्रतिभागी होते हैं उनको वहाँ पे बिठा दिया जाता है। तो बस यहाँ पे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे KBC की टीम फिर से आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ अगर आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है भी या फिर इस बात को लेकर आप चिंतित हैं,
तो इस टेंशन को आप दूर कर सकते हैं, केबीसी के टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका एक ईमेल आईडी है kbcresponse@statindia.com, इस ईमेल आईडी को आप लोग जानते भी होंगे। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो इस पे अपना मैसेज सेंड कर चुके हैं, तो आप kbcresponse@statindia.com पे जो है अपनी मैसेज को जाकर लिख कर सेंड कीजिए। आप अपनी समस्या को बताइए और जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा उस मैसेज को आप लिखिए, और वो मैसेज आप इंग्लिश में लिख कर जो है केबीसी टीम के पास सेंड कर दीजिए। केबीसी टीम के तरफ से उस पर जरूर रिप्लाई किया जाएगा, लेकिन मैसेज जब भी आप लिखिए उससे पहले अपनी टोटल डिटेल्स जो है आप वहाँ पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। केबीसी के वेन्यू पे जब आप ग्राउंड ऑडिशन सबमिट करने गए हुए थे तो वहाँ पे केबीसी के तरफ से जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था, किस एड्रेस पे आपका ग्राउंड ऑडिशन हुआ है, किस दिन हुआ है, वो टोटल इन्फॉर्मेशन, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारी जानकारी जो है सबसे पहले मैसेज के ऊपर लिख कर और फिर उसके बाद जो है विषय में, सब्जेक्ट में आप अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दीजिए और उस ईमेल आईडी पे आप सेंड कर दीजिए। आप देखेंगे 24 घंटा के अंदर ही जो है केबीसी टीम की तरफ से रिप्लाई कर दिया जाएगा और जो भी आपका समस्या होगा उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश जो है केबीसी टीम की तरफ से किया जाएगा। अगर बीच में केबीसी की टीम आपसे संपर्क करने की कोशिश की होगी और आप ट्रैक नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पर वो भी जानकारी वो देंगे और साथ ही साथ दोबारा आपका वहाँ पर सलेक्शन किया जाएगा। और अगर आपके पास सलेक्शन अभी तक नहीं हुआ होगा, केबीसी के टीम में राडार पे जो है आपका इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर वो कोई भी अपडेट आपको नहीं देंगे। आपको आगे इंतज़ार करना होगा कि हो सकता है आगे जो है आपके पास कॉल आए। तो बस काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके साथ ये समस्या हो चुका है। दूसरी चीज़ चलते चलते एक और सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें। कुछ प्रतिभागी का ऐसे भी मैसेज आया हुआ, पिछले साल भी आया हुआ था कि केबीसी में जिस मोबाइल नंबर को वो सबमिट किए हुए थे वो मोबाइल नंबर उनका खो गया है। तो अब उस स्थिति में उस प्रतिभागी को क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इस बात को जानते होंगे कि सिम डे आप अपना मोबाइल नंबर जो है निकलवा सकते हैं, यानी कि जो सिम आपका खो गया है जिस व्यक्ति के भी नाम पे है उसके आईडी पे जो है आप सेम डे उस सिम को निकलवा सकते हैं और एक ही दिन में वो जो सिम है वो आपका चालू भी हो जाता है। तो अगर ऐसी समस्या आपके साथ उत्पन्न हुई है और आपका सिम जो है खो चुका है तो अब आपको यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना वेट करेंगे आप ही जो है वहाँ पे लॉस में जाने वाले हैं, नुकसान में जाने वाले हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जिस कंपनी का आपका सिम है आपको करना क्या है, अपने नियरेस्ट सिटी में जाकर जो है उसका वहाँ पे जो वहाँ पे ऑफिस होगा उस ऑफिस में जाकर आप संपर्क कीजिए, उनको बताइए कि फलाने नाम का यह सिम है और ये सिम जो है गुम हो चुका है। तो उसी डॉक्यूमेंट पर वो क्या करेंगे, दूसरा सिम आपको उसी नंबर से निकाल कर दे देंगे और उस मोबाइल नंबर को फिर से आप अपने मोबाइल में जो है एक्टिवेट कर दीजिए और उसके बाद हो सकता है केबीसी टीम की तरफ से फिर से आपको ट्रैक कर लिया जाए। या फिर अभी तक अगर कॉल नहीं आया होगा तो जब वो आपको ट्रैक करेंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके बाद आसानी से केबीसी की टीम जो है वो आपसे संपर्क कर सकती है।